उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का प्रचार जोरों पर है। जनता से वोट पाने के लिए उम्मीदवार हर हथकंडे अपनाने में लगे हैं, यहां तक कि विवादास्पद बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक सुरेश राणा का विवादित बयान देते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिससे पार्टी और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक रैली के दौरान यूपी की थाना भवन सीट से उम्मीदवार सुरेश राणा ने कहा कि अगर वो जीत गए तो कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा देंगे। आपको बता दें कि राणा यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। उनका नाम 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में भी आया था। इस वीडियो में सुरेश राणा कहते हैं कि यदि मैदान मार लिया तो कैराना, देवबंद, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। आपको बता दें कि कैराना, देवबंद और मुरादाबाद मुस्लिम इलाके हैं और ऐसी खबरें आती रहती हैं कि इन इलाकों से हिंदुओं को अपने घर छोड़ने को मजबूर किया गया था। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी एक विभाग बनाने की बात की है जो पलायन पर नजर रखेगी। बीजेपी के नेताओं का इस तरह के भड़काऊ बयान देना कोई नई बात नहीं है। वैसे सुरेश राणा के खिलाफ आयोग में मामला दर्ज करा दिया गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।